धारा 354, 506 और 509 गंभीर धाराएं हैं, और जिस तरह की घटना उस महिला के साथ घटी है शर्मनाक है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो उस समय घर में मौजूद थे, वो अब इस पूरे प्रकरण की केंद्र में हैं कि कैसे उनके रहते एक महिला के साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई। इसका जवाब केजरीवाल को सामने आके देना चाहिए। उनके चुप रहने से बात जो है वो छुपना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान के लिए उनको छुपने नहीं देगी। जब तक वो जवाब नहीं देते हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में न्यायिक हिरासत में थे, अभी अंतरिम जमानत में हैं। अरविंद केजरीवाल के जितने भी भ्रष्टाचार हैं उनके काले कारनामों का राजदार है विभव कुमार, उनका सहयोगी। इसलिए मुझे लगता है कि विभव कुमार को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल किसी भी हद तक जाएंगे।